इक्यानवा अध्याय। हनुमान जी का समुद्र पार करके लंका में जाना, सीता से भेंट और लंका का दहन करके श्री राम को समाचार देना। मार्कंडेय जी बोले, हनुमान जी ने रावण द्वारा हरी गई सीता की खोज करने तथा उनके स्थान का पता लगाने के लिए चरणों के मार्ग आकाश से जाने की इच्छा की। पूर्वाभिमुख हो हाथ जोड़कर उन्होंने देवगणों सहित आत्मयोनी ब्रह्म जी को मन ही मन प्रणाम किया तथा श्री राम और महारथी लक्ष्मण को भी मन से ही प्रणाम करके सागर तथा सरिताओं को मस्तक नवाया। फिर अपने वानर बंधुओं को गले लगाकर उन सब की प्रदक्षिणा की। तब अन्य सब वानरों ने ये आशीर्वाद दिया, वीर तुम सकुशल लौट आने के लिए पवित्र वायु से सेवित मार्ग पर बिना विघ्न बाधा के जाओ। यूं कहकर उन्होंने हनुमान जी का सम्मान किया। फिर पराक्रमी पवन कुमार अपनी सहज शक्ति को प्राप्त हुए, उसमें वायु के सदृश बल का आवेश हो गया। दूर तक के मार्ग का अवलोकन करते हुए उन्होंने ऊपर दृष्टि डाली। अपने आप में ही ऐश्वर्य की पूर्णता सा अनुभव करते हुए वे महाबली हनुमान महेंद्र पर्वत को पैरों से दबाकर उसके शिखर से आकाश की ओर उछले। बुद्धिमान वायुपुत्र हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के कार्य साधन में तत्पर हो जब उसके पिता वायु के मार्ग से चले जा रहे थे, उस समय उनको थोड़ी देर तक विश्राम देने के लिए समुद्र द्वारा प्रेरित हो मैनाक पर्वत पानी से बाहर ऊपर की ओर उठ गया। उसे देखकर उन्होंने वहां थोड़ा सा रुककर उससे आदर पूर्वक बातचीत की और फिर उसे अपने वेग से दबाकर उछलते हुए दूर चले गए। मार्ग में सिंहिका नाम की राक्षसी थी, उसने जल में मुंह फैलाया रखा था। महाकपि हनुमान जी उसके मुंह में जा पड़े। मुंह में पड़ते ही वे वेगपूर्वक उसके भीतर घुसकर पुनः बाहर निकल आए। इस प्रकार सिंहिका के मुख से निकलकर प्रतापी पवन कुमार उस समुद्र प्रदेश को लांघते हुए त्रिकूट पर्वत के सुरमेश शिखर पर एक महान वृक्ष के ऊपर जा उतरे। उसी उत्तम पर्वत पर एक दिन बिताकर हनुमान जी वहां से सायकाल संध्या उपासना की। फिर रात में धीरे धीरे वे लंका की ओर चले। मार्ग में मिली हुई लंका नाम की नगर देवता को जीतकर उन्होंने नाना रत्नों से संपन्न अनेक प्रकार के आश्चर्यों से युक्त लंकापुरी में प्रवेश किया। तदनंतर जब सब राक्षस गहरी नींद में सो गए, तब नीतिज्ञ हनुमान ने रावण के समृद्धिशाली भवन में प्रवेश किया। वहां रावण एक बहुत बड़े पलंग पर सो रहा था। हनुमान जी ने देखा, सांस छोड़ने वाले 20 भयंकर नासिका छिद्रों से युक्त उनके दसों मुखों से बड़ी भयानक ढाएं थी। नाना प्रकार के आभूषणों से भूषित रावण हजारों स्त्रियों के साथ वहां सोया हुआ था, किंतु रावण के उस सुंदर भवन में सीता जी कहीं नहीं दिखाई दी। वो राक्षस राज अपने घर के भीतर गाढ़ निद्रा में सो रहा था। सीता जी का दर्शन ना होने से वायुनंदन हनुमान जी बहुत दुखी हुए। फिर संपत्ति के कथन को याद करके वे अशोक वाटिका में आए, जो विविध प्रकार के पुष्पों से सुशोभित और अत्यंत सुगंधित मरिय चंदन से व्यक्त थी। वाटिका में प्रवेश करके हनुमान जी ने अशोक वृक्ष के नीचे बैठी जानकी नंदन श्री राम पत्नी सीता को देखा, जो राक्षसियों से सुरक्षित थी। वह अशोक वृक्ष सुंदर, मृदुल, पल्लवों से विस्लित और पुष्पों से सुशोभित था। कपिवर हनुमान जी उस वृक्ष पर चढ़ गए और यही सीता है, ये सोचते हुए वहीं बैठ गए। सीता जी का दर्शन करके वे पावन कुमार जेहू वृक्ष के शिखर पर बैठे, तो ही रावण बहुत सी स्त्रियों से घिरा हुआ वहां आया। आकर उसने सीता से कहा, प्रिय मैं काम पीड़ित हूँ, मुझे सेवा करो। वैदेही अब श्रृंगार धारण करो और श्री राम की ओर से मन हटा लो। इस प्रकार कहते हुए रावण से भयवश कांपती हुई सीता जी बीच में तिनके की ओट रखकर धीरे धीरे बोली, पस्त्री सेवा दुष्ट रावण, तू चला जा। मैं शाप देती हूँ, भगवान राम के बाण शीघ्र ही रणभूमि में तुम्हारा रक्त पियेंगे। सीता जी का ये उत्तर पाकर राक्षस राज रावण ने राक्षसियों से कहा, तुम लोग इस मानव कन्या को 2 महीने के भीतर समझाकर मेरे विभूषित कर दो। यदि उनके तो तक उसका मन मेरी ओर ना झुके तो इस मनुष्य को तुम खा डालना। यूं कहकर दुष्ट रावण अपने महल में चला गया। तब रावण के डर से डरी हुई राक्षसियों ने जानकी नंदिनी सीता से कहा, कल्याणी रावण बहुत धनी है, इसे स्वीकार कर लो और खुश रहो। राक्षसियों के यूं कहने पर सीता ने उनसे कहा, महापराक्रमी भगवान श्री राम युद्ध में रावण को उसके सेवा गणों सहित मारकर मुझे ले जाएंगे। मैं रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के सिवा दूसरे किसी के भार्या नहीं बन सकती।
वही आकर रावण को मारकर मेरी रक्षा करेंगे। सीता की ये बात सुनकर राक्षसियों ने उन्हें भय दिखाते हुए कहा, अरे उसे मार डालो, खा जाओ खा जाओ। उन राक्षसियों में से एक का नाम त्रिजटा था। वह उत्तम विचार रखने वाली साध्वी स्त्री थी। उसने उन सभी राक्षसियों को सप्रेम देखते हुए ये बात कहा। वो बोली, अरे दुष्ट राक्षसियों सुनो, मैंने एक शुभ सपना देखा है जो रावण के लिए विनाशकारी है। समस्त राक्षसों के साथ रावण को मौत के मुंह में डालने वाला भ्राता लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी की विजय का सूचक है और सीता को पति से मिलवाना है। त्रिजटा की बात सुनकर वे सभी राक्षसियां सीता के पास से हटकर दूर चली गईं। तब अंजनी नंदन हनुमान ने अपने आप को सीता के सामने प्रकट किया और श्री राम का कीर्तन करते हुए उन्होंने श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण वृत्तांत का उनके समक्ष वर्णन किया। इस प्रकार सीता के मन में विश्वास उत्पन्न करके उन्हें श्री रामचंद्र जी की अंगूठी दी। फिर उसने श्री राम और लक्ष्मण के शरीर के लक्षण बताए और कहा, सुमुखी, वानरों के राजा सुग्रीव बहुत बड़ी सेना के स्वामी है। उन्हीं के साथ आपके पति देव भगवान श्री रामचंद्र जी तथा आपके देवर महावीर लक्ष्मण जी यहाँ पधारेंगे और रावण को सेना सहित मारकर आपको यहाँ से ले जाएंगे। हनुमान जी के ये कहने पर सीता जी का उन पर विश्वास हो गया। वो बोली, वीर तुम किस तरह महासागर को पार करके यहाँ चले आए हो। उनका ये वचन सुनकर हनुमान जी ने पुनः कहा, वर ने मैं समुद्र को उसी प्रकार लांग कर आया हूँ जैसे गौ के खुर से बने हुए गड्ढे को लांग कर जाया जाता है। जो राम राम का जाप करता है उसके लिए समुद्र गौ के खुर के चिन्ह के समान हो जाता है। शुभाने वैधि अब दुखमग्न दिखाई देती है, आप धैर्य धारण कीजिए। मैं आपसे सत्य सत्य कह रहा हूँ, आप बहुत शीघ्र श्री रामचंद्र जी की दर्शन करेंगे। इस प्रकार दुख में डूबी हुई पतिव्रता जानकी नंदिनी सीता को आश्वासन दे उनके पहचान के लिए चूड़ामणि पाकर और श्री राम के प्रभाव से काक रूपी जयंत के प्रभाव कथा सुनाकर वहां से चले जाने का विचार करके हनुमान जी ने सीता को नमस्कार करने के पश्चात प्रस्थान किया। तत्पश्चात कुछ सोचकर पराक्रमी हनुमान जी ने रावण के उस संपूर्ण कीड़ावन यानी अशोक वाटिका को नष्ट भ्रष्ट कर डाला और उसके वन के द्वार पर स्थित हो उच्च स्वर से सिंहनाद करते हुए बोले, भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। फिर तो युद्ध के लिए सामने आए हुए अनेक राक्षसों को मारकर सेना और सेनापतियों पर संहार किया। उसके बाद रावण के सेनापति अक्षय कुमारों को अश्व तथा सारथी सहित यमलोक पहुंचा दिया। इस पर रावण पुत्र इंद्रजीत ने वर के प्रभाव से उन्हें बंदी बना लिया। उसके बाद वे रावण के सम्मुख उपस्थित किए गए। वहां से छूटकर उन्होंने श्री राम लक्ष्मण और महाबली सुग्रीव को यश का कीर्तिमान करते हुए संपूर्ण लंकापुरी को जलाकर भस्म कर दिया। तदनंतर दुष्ट आत्मा रावण को डांट बताकर पुनः सीता जी से वार्तालाप किया। फिर पराक्रमी हनुमान जी समुद्र के इस पार आकर अपने वानर बंधुओं से मिले और सीता जी के दर्शन का समाचार सुनाकर सबसे सम्मानित हुए। तत्पश्चात हनुमान जी सभी वानरों के साथ मधुबन में आए। उसके रखवालों को मारकर उन्होंने वहां सब साथियों को मधुपान कराया और स्वयं भी पिया। इस कार्य में बाधा डालने के लिए दधिमुख नाम के वानर को सबने धरती पर दे मारा। उसके बाद हनुमान जी ने सब वानरों के साथ आनंदित होकर आकाश में उछलते हुए श्री राम और लक्ष्मण के निकट जा पहुंचे। वहां उन दोनों के चरणों में प्रणाम कर विशेषतः सुग्रीव के मस्तक झुकाकर उन्होंने समुद्र लागने से लेकर सारा समाचार वित्रांत से सुनाया और ये कहा कि मैंने अशोक वाटिका के भीतर सीता देवी का दर्शन किया। उन्हें राक्षसियां घेरे हुई थी। वो बहुत दुखी होकर निरंतर आपका ही स्मरण कर रही थी। उनके मुख पर आंसू की धारा बह रही थी और वह बड़ी दीन अवस्था में थी। रघुनंदन, आपकी धर्म पत्नी सुमुखी सीता वहां भी शील और सदाचार से संपन्न है। मैंने सब जगह ढूंढने के लिए पतिव्रता जानकी को अशोक वन में पाया, उनसे वार्तालाप किया और उन्होंने मेरा विश्वास किया। प्रभु, उन्होंने आपको देने के लिए अपना श्रेष्ठ मणिमय अलंकार भेजा है। ये कहकर हनुमान जी ने भगवान श्री राम को वह उत्तम चूड़ामणि दे दी और कहा, प्रभु, आपकी धर्म पत्नी सीता जी ने ये संदेश भी कहला भेजा है। सुनिए, महान व्रत का पालन करने वाले महाराज, चित्रकूट पर्वत पर जब आप मेरी गोद में सर रखकर सो गए थे, उस समय काक वेशधारी जयंत का जो आपने मान मर्दन किया था उसे स्मरण करें। राजेंद्र, प्रभु, उस कौवे के थोड़े से अपराध पर उसे दंड देने के लिए आपने जो अद्भुत कर्म किया था उसे देवता और असुर भी नहीं कर सकते थे। उस समय तो आपने ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया था,
क्या इस समय उस रावण को पराजित नहीं करेंगे? इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर सीता जी रोने लगी थी। वो दुखी थी। आप उन्हें इस दुख से मुक्त कराने का प्रयत्न कीजिए। पवन कुमार हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर सीता जी का वो संदेश सुनकर उनके इस सुंदर आभूषण को देख भगवान श्री राम उन कपीवर हनुमान जी को गले से लगाकर रोने लगे और धीरे धीरे वहां से प्रस्थित हुए।